भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और कांग्रेस के लिए अस्तित्व की जंग है। गुजरात के विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। नए नए चुनावी जुमलों की रचना से लोगों का मनोरंजन भी खूब हो रहा है। भाषणों में जातिवाद और साम्प्रदायवाद की बातें भी दोनों तरफ से हो रही हैं। इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन में भी जातिगत समीकरणों को तवज्जो दी है। खासकर आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदार समुदाय का विशेष ख्याल रखा गया है। ऐसे में लगता है कि विकास का मुद्दा पूरी तरह गायब हो गया है। यह कटु सत्य है कि गुजरात के पिछले चुनावों में भी अधिकांश उम्मीदवारों का चयन जातिगत आधार पर ही होता रहा है। इस बार भाजपा और संघ की प्रयोगशाला माने जाने वाले गुजरात की पार्टी का कोई नया प्रयोग नहीं दिखता है। दूसरी ओर कांग्रेस इस चुनाव में सिंगल एडमिट हिंदुत्व का इस्तेमाल करती दिख रही है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान हर कार्यक्रम की शुरुआत मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना से की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मंदिर दर्शन से की, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं। वे हर बार ऐसा करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची
देखें तो चयन में पाटीदार नेताओं का दखल नजर आया। फुलस्टॉप। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के समर्थन से कांग्रेस इन चुनाव में सत्ता हासिल करने की उम्मीद कर रही है। फुलस्टॉप। वर्ष 2015 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को खासी सफलता मिली थी। फुलस्टॉप। इस सफलता के पीछे पाटीदार आंदोलन को अहम कारण माना गया था। फुलस्टॉप। यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस वर्ष 1985 से सत्ता से दूर भी पाटीदार समाज से दूरियां बनने की वजह से हुई। फुलस्टॉप। दो दशक बाद पाटीदार एक बार फिर कांग्रेस की तरफ झुके हैं। फुलस्टॉप। कांग्रेस ने हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन से उभरे अन्य पिछड़ा वर्ग ब्रैकेट में ओबीसी ब्रैकेट बंद के नेता अल्पेश ठाकुर को भी अपने साथ जोड़ा है। फुलस्टॉप। अल्पेश तो खुद कांग्रेस में शामिल होकर राधनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। फुलस्टॉप। कांग्रेस ने अपने बनाए सिंगल इंवर्टेड कॉमा में खाम कॉमा बंद ब्रैकेट के एच ए एम ब्रैकेट बंद यानी क्षत्रिय कॉमा हरिजन आदिवासी और मुस्लिम फॉर्मूले से 149 सीटें जीतकर माधव सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री बनाने में सफलता हासिल की थी। कमा पर यह एक इतिहास है। कांग्रेस ने खास फॉर्मूले को एक तरह से पुनरावर्तन किया है। फुलस्टॉप। इस समय पाटीदार और ओबीसी भी जुड़े हैं। फुलस्टॉप। इनके जुड़ने से एक नया समीकरण एच ए एम ओ पी यानी हरिजन कौमा आदिवासी कौमा मुस्लिम कौमा